Let's start with the second video lecture of HTML. चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि HTML क्या होता है, टैग्स क्या होती है और टैग के हम यूज कहाँ पे करते हैं सब कुछ। तो है सिंपल डेफिनेशन ऑफ टैग, ए टैग इन विच मार्क्ड बाय एंगल ब्रैकेट। जैसे ये HTML लिखा हुआ है, ये दो ब्रैकेट के अंदर बंद है, पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये और जो बीच में ऐड है वो कंटेंट है, ठीक है। जैसे वो ऐड किया हुआ है उसमें, ठीक है, जो एडेड है उसमें, जिसमें HTML लिखा हुआ है कि HTML एक कंटेंट है, ठीक है, एग्जांपल हो गया ये। उसके नीचे लिखा हुआ है ए टैग डिफाइंस द प्लेस ऑफ आवर कंटेंट ऑन वेब पेज। तो हमारा जो वेब पेज स्टार्ट होता है, ठीक है, वो HTML से स्टार्ट होता है। उससे पहले हम कुछ भी यूज कर ले उससे वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। HTML क्या है वो कंपलसरी है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोडर गुरु लिखा हुआ है, ये क्या है ना, इसमें आगे पीछे कुछ है, तो ये ओनली एक टेक्स्ट है, ठीक है। क्या ये टेक्स्ट है, क्यों, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ठीक है। ये कोडर गुरु एक सिंपल सा लिखा हुआ है, जैसे हम कोडर गुरु लिख दिए कहीं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, अमन लिख दिया है, तो ये ओनली एक टैग है। और ये देखो इसमें क्या, कोडर गुरु के आगे और पीछे दोनों साइड एक टैग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, ये एक टैग कहलाया, ठीक है। उसके नीचे क्या है, दो टैग्स हैं, ठीक है, सॉरी दो टैग्स हैं, वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैग है, ठीक है। उसे ये पता चलता है कि ये एक टैग है, इसे पता चलेगा। और क्लोजिंग टैग जो स्लैश डाल देते हैं इसे वो क्लोज हो जाता है। तो फर्स्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी कोडिंग हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड और एटम। मैं विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफर करूंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक रीड कर, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक सब चीज़ ले लेता है जो हम लिखना चाहते हैं, बोले ना मन की बात समझ लेता है ये, ठीक है। तो वेबसाइट हम बनाने, तो पहले वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा जिसमें स्टोर्ड है वो एक, जिसमें डाटा स्टोर्ड है वो एक वेबसाइट है, कुछ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइल फोल्डर के अंदर डला हुआ है तो फोल्डर भी एक वो है, ठीक है, फोल्डर भी एक वेबसाइट, ऐसा नहीं है। जो .html के नाम से, एक्सटेंशन के नाम से सेव हो और उसके अंदर डाटा मौजूद हो कलेक्शन ऑफ डाटा के, तो वो वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा MP3 हो सकता है, MP4 हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकती है, डाटा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें जरूरत हो और हम उस चीज को वेबसाइट से ले रहे हैं, वो एक डाटा है, ठीक है। तो बाय यूजिंग HTML टैग डाटा कैन ओनली बी स्टोर्ड, ठीक है। तो बिना HTML के हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, HTML टैग जो है कंपलसरी है, ठीक है। जैसे डाटा फाइल से इन विच कैन बी स्टोर्ड, एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड, तो ये क्या है, .mp3 .mp4 png gif, mp3 कोई ऑडियो फाइल होगी, mp4 कोई वीडियो फाइल होगी, ठीक है, या 3 सेकंड की होगी। एवरी टैग हैज अ डिफरेंट रोल, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, अच्छा सॉरी सिंटैक्स के बारे में बताना भूल गया। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स से पता चलता है कि कौन सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स में क्लोजिंग और ओपन टैग है, वो ओपन और क्लोजिंग टैग है, सॉरी। एवरी टैग हैज डिफरेंट रोल, जैसे इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज और भी काफ़ी तरह के टैग्स होते हैं। ऑडियो में क्या होता है कि हम MP3 फाइल रखते हैं उसमें, वीडियो में होगा हम MP4 रखेंगे, ठीक है। ये हमने वीडियो लिख दिया, वीडियो को ये क्लोज हो गया, सॉरी क्लोज हो गया अभी, ठीक है। इमेज होगा तो इमेज टैग बने, क्या हुआ कि इसके नीचे जो भी चीज़ हम रखेंगे वो एक वीडियो होगी, ठीक है। तो और इमेज टैग क्या होती है, इमेज टैग कभी बंद नहीं होता, कभी VLC मीडिया प्लेयर में ये बंद, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड में ये बंद नहीं होता, बट आप अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे गलत नहीं होगा। इफ वी वांट टू स्टार्ट द कोडिंग वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द HTML टैग्स। सही बात है कि हम अगर कोई कोडिंग सीखना चाहते हैं, हम जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, हमें सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वही होता है HTML टैग्स। तो HTML हम लिख रहे हैं, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये हमें पता है, ये भी एक टैग है। तो मार्कअप मींस बॉक्स क्रिएट करने वाला, ठीक है, घेरने के जो काम, घेरने का जो काम करता है ना, उसका काम होता है HTML, ठीक है। तो जो टैग पहले स्टार्ट होगा वो पहले बंद होगा, ठीक है। तो मैंने चलिए जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे पहले बंद, सबसे लास्ट में बंद होगा, सॉरी,
ये मैंने अमन नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने ओपन विद कोड कर लिया। ये क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया, ठीक है। ये बड़ा कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पे अमन दिख रहा है आपको। इससे पता चलता है कि ये फोल्डर जो ओपन है वो अमन नाम के फोल्डर में ओपन है, ठीक है। ये जो फाइल ओपन किया हुआ है, न्यू टेक्स्ट फाइल किए, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखाता है, HTML लिखाता है। तो HTML हमने लिख दिया, इसे बंद कर दिया। ये बंद क्यों नहीं हुआ, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, बता दिया था मैंने। ये बंद क्यों नहीं हुआ, इसे अब हम फिर से कोशिश करते हैं HTML, और ये बंद करिए। बंद हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि मैंने, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मतलब हमने HTML को सिर्फ ओपन किया था, क्लोज तो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। और ऑटो सेव आप करके रखिएगा, इससे बहुत काम आता है ये होने में, ठीक है। HTML के बाद क्या आता है, HTML के बाद आता है टाइटल। टाइटल का काम क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। टाइटल के बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या होती है, बॉडी होती है जो वाइट वाइट सा दिखता है ना मैं स्क्रीन पे, जब जो भी बैकग्राउंड होता है वो बॉडी है, जो भी चीज लिखी होती है वो बॉडी के अंदर ही लिखी होती है। अब किस नाम से हम उसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करके हमने सेव कर दिया। इसका लिखा हमने इंडेक्स डॉट HTML। डॉट HTML क्या है, ये एक एक्सटेंशन है जिससे ये पता चलता है ये जो फाइल सेव्ड है इसमें ये ब्राउज की जाएगी क्रोम में, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिए, थोड़ा स्टाइलिश हो गया देखने में। टाइटल के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। टाइटल के अंदर हम लिखते हैं लेक्चर, LECTURE लेक्चर नंबर टू, सॉरी M लिखा गया, N लिखते हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर टू। मैं करता हूँ सेव, उसको हम सेव करते हैं, वैसे तो ऑटोमेटिक ही हो जाता, ठीक है। सेव करते हैं, अब उसको ओपन करते हैं। ये देखिए इंडेक्स नाम का फोल्डर ओपन हो गया, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये क्रोम टाइप में ओपन हुआ है कि ये कोई ब्राउजिंग फाइल है, ये क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर टू, यहाँ पे शो, ठीक है। ये लेक्चर नंबर टू लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये टाइटल के अंदर जो मैंने लिखा है वो लेक्चर नंबर टू ही है, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है। हम स्टार्ट करते हैं आगे, अब हम नीचे आते हैं। इसको मैंने कर दिया दोनों साइड कि हमें दो चीज एक साथ दिखते जाए, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा हमें बताने की जरूरत ना पड़े। तो बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, पेज दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, फुल स्टॉप। हम इसको सेव कर देते हैं और हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए क्या आ गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स स्टॉप, यस लेट्स बिगिन द चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर, सेव करते हैं। यहाँ देखिए द चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर भी लिखा हुआ आ गया, कैपिटल कर देते हैं, एल को हम कैपिटल कर देते हैं, सॉरी स्मॉल ही हो गया। फिर से हाँ एल हो गया, ठीक है। लेट्स बिगिन द चैप्टर एम एल, वो कैपिटल हो गया। अब इसे हम थोड़ा बोल्ड करते हैं, बी टैग से बोल्ड होता है, बी टैग लेके देखिए ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। इसे हम कर देते हैं कट, कट करके हमने पेस्ट कर दिया। हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी बॉडी के, ओह सॉरी ये गलती हो गया था। ये क्या होगा कि बॉडी से पहले ही बंद होगा, ठीक है, बॉडी से पहले बंद होगा। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब क्या दिक्कत आई, अच्छा सॉरी ये हमने बंद नहीं किया था, अब देखिए ठीक है, बंद वो लास्ट में होता है। ये देखिए क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अब हम यूज़ करते हैं BR टैग। मैंने बताया था जो एक कोई टैग होती है जो बंद नहीं होती है, जो ओपन तो होती है बट वो बंद नहीं होती, ठीक है, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम आपको BR टैग यूज़ करके दिखाएंगे कि BR टैग का यूज़ क्या होता है। हम इन दोनों के बीच के लिख देते हैं BR, ये क्लोज, बंद नहीं हुआ ये, ठीक है, रिफ्रेश किए ये नीचे आ गया। तो इसी तरह के काफ़ी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर आएंगे, ये लेक्चर नंबर टू ही था जो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएगा आगे चल के। इमेज टैग जो होता है वो यूज़ नहीं, ठीक है। ये इमेज देखिए, इमेज हमें अगर लगाना है तो इमेज टैग हम लिखते हैं, और लेक्चर आएंगे आगे, और लेक्चर अभी आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रिविज़न करते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे, ठीक है। और इसका एक मेन पर्पज़ होगा कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कीजिए, ठीक है, अभी कुछ मत कीजिए, अभी पहले टैग्स, जितने टैग्स को रिवाइज़ कीजिए और नोट डाउन करना, नोट डाउन तो कंपलसरी है ही, नोट डाउन आप करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।